this video we will talk about the much coveted astronomy olympiad examination. Astronomy olympiad mein kya kya hota hai, pehle hum iski information discuss karenge, fir hum is exam ke stages aur process kis tarah se conduct hota hai wo discuss karenge, fir hum iski preparation ke bare mein discuss karenge, and fourth ki kya aapko iski taiyari karni chahiye, is this exam for you, ye hum discuss charon concept isi ek video mein kar lenge. End tak dekhte rahiyega, aapko puri information clear ho jayegi astronomy olympiad ke bare mein. Theek hai, मैंने खुद एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड दो बार क्लियर किया हुआ है और काफी मुझे नॉलेज है इसका, एकदम एंड तक मैं आपके साथ शेयर करूंगा. शुरू करने से पहले यार एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि अगर आप जेई के लिए और ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं acadboost.com. इस वेबसाइट पे आपको जेई नीट की तैयारी तो कराई ही जाती है, साथ ही में जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर आपको एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड की तैयारी, जैसे मैं आगे क्लियर भी कर दूंगा, उसके लिए भी आपको काफी सारी हेल्प हो जाएगी. ठीक है, तो डू चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन, यू विल एब्सोल्युटली लव इट. इट्स अ वन इन ऑल प्लेटफॉर्म. आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, लेक्चर चाहिए, सब कुछ एक ही जगह पर एक ही कोर्स में आपको मिल जाता है. ठीक है, बात करते हैं इन्फॉर्मेशन. तो ये एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड होता क्या है? तो देखो, जैसा आप सभी जानते हैं ओलंपियाड्स आर बेसिकली लाइक ओलंपिक्स, जहाँ पे कंट्रीज अपने स्टूडेंट सेलेक्ट करती हैं अलग अलग फील्ड्स में. जैसे ओलंपिक्स में रेसलिंग होता है, स्विमिंग होता है, वैसे ही यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन सब के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और एक टीम बना के भेजा जाता है उनको इंटरनेशनल कंपटीशन में. अलग अलग जगह होता है, कभी यूक्रेन में हो रहा है, कभी तजाकिस्तान में हो रहा है, कभी यूएसए में हो रहा है, कभी चाइना में हो रहा है, ऐसे अलग अलग हर साल ओलंपियाड कंडक्ट होते हैं. वहाँ पर टीम्स जाती हैं और कम्पीट करती है फॉर द मेडल्स. ठीक है, तो अब इस एग्जाम को होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन कंडक्ट कराता है इंडिया में और काफ़ी सही एग्जाम है ये. ठीक है, ये एग्जाम सही इसलिए क्योंकि भले ही इसका नाम एस्ट्रोनॉमी हो लेकिन इसमें मेनली फिजिक्स और मैथ्स आती है. एस्ट्रोनॉमी आगे इसमें आती है लेकिन वो आपकी ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है, जैसा मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा. तो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम, स्पेशली इफ यू आर गुड एट फिजिक्स और मैथमेटिक्स. आपको एस्ट्रोनॉमी का कोई नॉलेज नहीं है तो भी इट डजेंट मैटर, यू कैन स्टिल डू वेरी वेल इन दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, तो काफ़ी सही एग्जाम है. इट्स वन ऑफ द इजिएस्ट ओलंपियाड्स टू क्रैक क्योंकि इसमें कम ऑडियंस आती है, मतलब कम लोग देते हैं एग्जाम बेसिकली, तो अवेयरनेस थोड़ी कम है. एस्ट्रोनॉमी सुन के लोग भाग जाते हैं दूर क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स को लोग समझते हैं अरे यार ये एग्जाम तो दे देते हैं, एस्ट्रोनॉमी लोग सोचते क्या देना, जबकि दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम एंड इसकी वैल्यू भी अच्छी इंटरनेशनल लेवल पर. ठीक है, अगर आप इस एग्जाम में मेडल जीतते हो ना तो आपको आगे बहुत फायदा होता है इन एडमिशन इन फिजिक्स में. अगर आपको फॉरेन में जैसे एडमिशन चाहिए किसी यूनिवर्सिटी में, या आपको एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करनी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती है, तो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम. इसके स्टेजेस होते हैं, तो देखो इसके 5 स्टेजेस होते हैं. ठीक है, पहला इसका होता है IOQA, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, फिर आपका रहता है INAO, इंडियन नेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड. फिर एक रहता है OCSC, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप, ये मुंबई में कंडक्ट होता है. इस स्टेज में इसमें लगभग 15,000 बच्चे लगभग पार्टिसिपेट करते हैं, नंबर थोड़ा वेरी करता रहता है, 15,000-20,000-10,000 जो भी है. INAO के अंदर इनमें से 300 बच्चे सेलेक्ट होते हैं. फिर INAO देने के बाद लगभग 35 बच्चों को इस कैंप में बुलाया जाता है. ठीक है, और फिर फोर्थ आपका एक इन 35 बच्चों में से इस कैंप के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं लगभग 5 बच्चे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे फिर एक ट्रेनिंग कैंप होती है PDT नाम करके, प्री डिपार्चर कैंप, जिसमें इन्हीं 5 बच्चों की ट्रेनिंग कराई जाती है. ठीक है, मॉक टेस्ट मान लो. और इसके जस्ट बाद होता है आपका फाइनल IOAA, इंडियन इंटरनेशनल ओलंपियाड इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये नाम करके इस एग्जाम का पूरा है. तो ये 5 बच्चे फिर एग्जाम देते हैं और मेडल्स वगैरह जीतते हैं. ठीक है, तो मेनली देखो हमारी तैयारी ना इन दोनों एग्जाम की रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आप जब जाते हो ना तो आप ये एग्जाम लेते कि मुंबई में कैंप में जाते हो, वहाँ पे आपको सिखाते भी है वो एस्ट्रोनॉमी एकदम प्रॉपर पढ़ाई जाती है वहाँ पे, और आपको स्टडी मटेरियल भी वो दे देते हैं, फिर उन बच्चों में से सिलेक्शन होती है. तो ये एस्ट्रोनॉमी जो मेनली है ना वो यहाँ पे आती है इस स्टेज में, वो आपको पढ़ा दी जाती है, तो हमें इससे मतलब नहीं है. हमें मतलब है इन दोनों स्टेजेस से, क्योंकि यहाँ पे अपनी मेनली फिजिक्स और मैथ्स ही आने वाली है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी मान सकते हो, बाकी एस्ट्रोनॉमी हमारी बाद में कवर हो जाएगी. तो ये तो थे स्टेजेस और इन्फो. अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो मेरा एक सिंपल सा मानना है यार, ज़्यादातर बच्चे जो 11th-12th में इस एग्जाम्स को दे रहे होते हैं ना वो यूजली JEE की तैयारी भी कर रहे होते हैं, राइट. तो मेरा सजेशन ये है सभी स्टूडेंट्स को कि आप अपनी JEE एडवांस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लो. ठीक है, क्योंकि आप JEE एडवांस की प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे आपकी फिजिक्स तगड़ी होगी, आपकी मैथ तगड़ी होगी, और इसमें यूजली जो एस्ट्रोनॉमी के सवाल इसमें लगभग फर्स्ट स्टेज में तो लगभग 80% यही आता है, मैथ्स फिजिक्स बस. 20-15% कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड आ जाते हैं, बट वो भी फिजिक्स बेस्ड ही होते हैं. जैसे क्या हो गया, आपको जैसे कोई ग्रेविटेशन का क्वेश्चन पूछ लिया, या प्लेनेटरी मोशन हो रहा है तो वो क्या है, वो एक सर्कुलर मोशन है, उसका क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो फिजिक्स से हो जाता है. तो मेरा सजेशन ये है बच्चों को
कि आप प्लीज इस एग्जाम की तैयारी ऐसे कुछ अलग से मत करिए, आप अपनी जेई की रेगुलर तैयारी बिल्कुल करिए। और साथ ही में आपको इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देख सकते हो, पहले इसको NSEA कहा जाता था, तो आप सर्च करना NSEA पेपर, IOQA पेपर, ऐसे करके आप गूगल पे सर्च करोगे आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, उनको एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि यार एस्ट्रोनॉमी बहुत कम आती है। अब जो सेकंड स्टेज है उसमें एस्ट्रोनॉमी थोड़ी बहुत आती है, उसमें क्या क्या आता है, उसमें बहुत बेसिक चीज़ें आती है। एक तो आप विकिपीडिया पे जाइएगा या बहुत सारी ऐप्स आती हैं, उन पे आप कॉन्स्टिलेशंस के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि कॉन्स्टिलेशंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लगभग 20-30 जो सबसे प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन है, ओरायन हो गया, अरसा मेजर वगैरह हो गया, ठीक है, ड्रेको हो गया, ये सब जितने भी है जो मेन जो आपके है कॉन्स्टिलेशंस और जो मेन स्टार्स हैं उनका बस ध्यान रख लीजिए कि भाई ये मेन कॉन्स्टिलेशन ये ऐसा दिखता है, इसके अंदर ये स्टार्स हैं, बस इन पे बेस्ड क्वेश्चन थोड़े बहुत आ जाते हैं। थोड़ा ग्रेविटेशन की डेप्थ में स्टडी कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत एंगुलर मोमेंटम वगैरह की स्टडी कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है प्लैनेट्स वगैरह का, ठीक है। इस तरह की बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें आती हैं यार, बाकी जो एस्ट्रोनॉमी के सवाल आते हैं वो आप कॉमन सेंस से या फिर फिजिक्स की नॉलेज यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इतना इवन सेकंड स्टेज में इतना कुछ नहीं आता एस्ट्रोनॉमी का, बस एक यही चीज़ ध्यान में रखना कि आपका ये जो हो गया कॉन्स्टिलेशंस की थोड़ी प्रिपरेशन आप करके जाइएगा कि क्या क्या मेन कॉन्स्टिलेशन होते हैं। और एक आप ये भी देख सकते हैं यार कि एक एस्ट्रोनॉमी के बारे में सर्च कर लीजिएगा थोड़ा विकिपीडिया वगैरह पे, और जो बेसिक फैक्ट्स है, या आप एक एस्ट्रोनॉमी का छोटा मोटा कोई कोर्स कर लीजिएगा 5-10 घंटे का, जिसमें क्या क्या पढ़ लेंगे आप, एक्लिप्सेस क्या क्या होती है, सोलर लूनर, अर्थ के ऊपर जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं वो कैसे क्या होते हैं, ठीक है। आप जैसे इस तरह की काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि आप अर्थ पे इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे खड़े हो, बताओ सन की आपकी परछाई किस एंगल की कितनी लेंथ की बनेगी, तो ये सब क्वेश्चन क्या है, मैथ्स के सवाल ही है, बस थोड़ा सा दिमाग और कॉमन सेंस लगाना है। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें आप थोड़ी बहुत सर्च कर सकते हैं कि ये सब कैसे क्या होती है। थोड़े बेसिक फैक्ट्स हो गए कि भाई पहला एस्ट्रोनॉट कौन था, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम क्या है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप थोड़ी याद कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगेन अगर आप केवल फिजिक्स और मैथ्स का नॉलेज भी लेके जाओगे ना सेकंड स्टेज में भी, तब भी निकाल सकते हो। मैंने फर्स्ट जो एग्ज़ाम दिया था ना, तो मैंने इसका जूनियर वर्जन दिया था, इसका एक जूनियर वर्जन भी होता है जो आपका इसके थ्रू नहीं होता है, एक IOQJS नाम करके एग्जाम होता है, ये 9th के बच्चों के लिए। तो ये जो बच्चे एग्जाम कर लेते हैं ना क्लियर, उनको डायरेक्ट यहाँ पे वो एग्जाम दे सकते हैं INAO वाला, लेकिन उनकी लिस्ट अलग बनती है, सेम पेपर होता है, लिस्ट अलग बनती है उनकी, तो वो एक अलग चीज़ है। तो ये मैंने जूनियर लेवल पर क्लियर किया था 9th में, तो तब मेरे 45% आए थे, और मेनली मैं फिजिक्स और मैथ्स ही करके गया था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर कैम में मैंने एस्ट्रोनॉमी वगैरह ढंग से पढ़ ली, और सीनियर में जब मैं गया ना तो मैंने 91% स्कोर किए थे इस एग्जाम में 12th में। प्योरली फिजिक्स और मैथ्स, थोड़ी बहुत एस्ट्रोनॉमी मुझे आती थी इस कैंप की वजह से, बाकी कुछ खास पढ़ा नहीं था। तो इवन इफ यू डोंट स्टडी एस्ट्रोनॉमी तुम बहुत आराम से एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो नाम सुन के एस्ट्रोनॉमी से घबराना नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आती है एस्ट्रोनॉमी जिसमें आपको स्टार्स वगैरह का एकदम प्रॉपर ऑब्जर्वेशन कराया जाता है, एकदम प्रॉपर वहाँ पे मतलब आपको चीज़ें सिखाई जाती कराई जाती हैं, तो वहाँ पे वो सिखा देते हैं, आपके पूरे सेशन होते हैं, आपको एक पता है पूरे एक ऑब्जर्वेटरी में लेके जाते हैं वो, ठीक है। वहाँ पे रात को आप पूरी रात को उठते हो और आप टेलीस्कोप वगैरह वो लगा के पूरा बताते हैं कि अच्छा ये वाला कॉन्स्टिलेशन, ये स्टार्स हैं, इस तरह से जो एस्ट्रोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्लैनेटरी मोशन वगैरह इन सब चीज़ों के, वो भी आपको सिखाए जाते हैं पूरे स्टार्टिंग से, आपको मटेरियल भी दिया जाता है। तो चिंता आपको यहाँ से शुरू करनी हो, यहाँ पे आपको पूरा बता दिया जाएगा, ठीक है। सो ये तो थी प्रिपरेशन। अब बात करते हैं कि क्या आपको तैयारी करनी चाहिए भी इस एग्जाम की, नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू एग्जाम्स जिसकी तैयारी सबको करनी चाहिए लेकिन कोई करता नहीं है, ठीक है। लोग पता है क्या करते हैं, लोग IMO की तैयारी कर लेते हैं, IPHO की तैयारी कर लेते हैं, जबकि वो चीज़ और गलत है। आपको मैं बताता हूँ कि इस एग्जाम में ना सेकंड स्टेज तक आपको कुछ JEE के बियॉन्ड जाने की जरूरत ही नहीं, केवल अपनी JEE पढ़ रहे हो ना, मतलब आपको मैं बताता हूँ JEE में जिनकी टॉप 1000 में या टॉप 100 में रैंक आती है वो अगर INAO का पेपर देंगे ना उसे कई लोग निकाल लेंगे बिना किसी तैयारी के, बिना किसी तैयारी के निकाल लेंगे, क्योंकि दिस इज अ पेपर ऑफ कॉमन सेंस, इट्स अ पेपर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स, बस, ठीक है, नथिंग मोर। सो इफ यू आर अ JEE एस्पिरेंट, दिस इज द ईजिएस्ट एग्जाम टू क्रैक, कॉम्पिटिशन भी कम है, वैल्यू भी ज्यादा है, और सुनने में भी अच्छा लगता है एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स, समझ लो, तो यू शुड गिव दिस एग्जाम। अब जैसे IPHO की तैयारी करो, उसमें कई सारी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस आती है, ICHO में भी कई सारी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस आती है, ठीक है, वो फिर भी गलत एग्जाम है, ये बिल्कुल सही एग्जाम है, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट, इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट ओलंपियाड्स टू क्रैक। IPHO के अंदर 50% ला के दिखाओ तो बहुत मुश्किल काम है, बट IOEE में anyone, INAO में बहुत लोग ला सकते हैं 50-60%, थोड़ा कॉमन सेंस वाला बंदा है ना भाई, 9वीं-10वीं के बच्चे ले आते हैं, ठीक है। इट डजंट रिक्वायर एनी हार्ड कोर कॉन्सेप्ट, बस आपकी कॉमन सेंस अच्छी होना, यू कैन डू वेरी वेल इन दिस एग्जाम। सो यू शुड डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम, एंड इसके लिए प्रिपेरेशन कुछ करनी नहीं है, आप चुपचाप अपनी JEE की तैयारी कर लो, आपका काम हो जाएगा। लास्ट टाइम में थोड़ा कॉन्स्टिलेशन विकिपीडिया ये सब देख लेना, 2-3 दिन देख लेना बहुत है। मैंने पता है एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड की जूनियर की तैयारी कैसे की थी,
मैं ना ट्रेन में जा रहा था, जयपुर सेंटर था, ट्रेन में पढ़ लिया मैंने बस। मेरे मोबाइल में मैंने ऐप वगैरह डाउनलोड कर ली कॉन्स्टेलेशन की, ट्रेन में बैठे बैठे याद कर लिया बस। इतनी तैयारी की थी बस एस्ट्रोनॉमी की, एंड आई डिड वेल इन दैट एग्जाम। लगभग आई थिंक 20 मार्क्स के क्वेश्चन 100 में से एस्ट्रोनॉमी के थे, मैंने 10-12 स्कोर कर दिया था जस्ट ऑन दैट मच प्रिपरेशन। सो गिव दिस एग्जाम, एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर जेई एंड फॉर ऑल ऑफ दिस एग्जाम, टू चेकआउट अकेडबूस्ट, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे हमारे बहुत सारे तरह के कोर्सेज रहते हैं, ठीक है। मैथ्स ओलंपियाड पर डेडिकेटेड कोर्स है, बाकी जेई के कोर्स में ये सब कुछ अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। 10,000+ स्टूडेंट्स हमसे पढ़ चुके हैं, सो यू विल एब्सोल्युटली एंजॉय इट। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इस तरह की और आपको एकेडमिक वीडियोज चाहिए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गुड लक।